तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फाइल हैंडलिंग। ठीक है, अभी तक हमने मैंने यूट्यूब पे जितनी वीडियोस डाली है उन वीडियोस के थ्रू हमने कवर किया था फंक्शंस। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने बुक से भी पढ़ा होगा और उसको प्रैक्टिस भी किया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फाइल हैंडलिंग। अब फाइल हैंडलिंग क्या होता है? फाइल, आप सबको पता है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हम कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं उसको फाइल बोलते हैं। ठीक है, देखो अभी तक हम जितने भी पाइथन के प्रोग्राम्स बना रहे थे उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि मान लो हमें कोई नंबर यूज़र से इनपुट लेना है, वो हमने कीबोर्ड के थ्रू यूज़र से इनपुट लिया, उस पर हमें कोई भी फंक्शन अप्लाई करना है, मान लो कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कुछ भी करना है, वो अप्लाई किया और फाइनली हमने उसको प्रिंट कर दिया और वो आउटपुट स्क्रीन पे हमें दिख गया। ठीक है, और हमने मान लो प्रोग्राम बंद कर दिया। अब जो भी हमने यूज़र से इनपुट लिया था या जो भी हमारा आउटपुट आया था वो सब कुछ क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। मतलब एक बार आपने प्रोग्राम बंद कर दिया तो उसके बाद जो भी आपका डेटा था, सारा इनपुट लिया था और आउटपुट आया था, वो सारा क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। आप जब नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम ओपन करोगे तो जो पिछला आपने इनपुट्स लिए थे और जो आउटपुट आया था वो आपके पास नहीं होगा, है ना। तो फाइल हैंडलिंग हमें एक ऑप्शन ऑफर करता है कि अगर हम लोग चाहते हैं तो हम इनपुट जो है वो यूज़र से ना लेके, मतलब कीबोर्ड से इनपुट ना लेके हम लोग एक फाइल से इनपुट लें। मतलब फाइल में पहले से वैल्यू स्टोर होंगी। ठीक है, हम फाइल को रीड करेंगे, फाइल में जो भी लिखा होगा वहाँ से हम लोग इनपुट उठाएंगे और हमें उसके ऊपर जो भी प्रोसेसिंग अप्लाई करनी है वो करेंगे। ठीक है, जो भी करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फैक्टोरियल निकालना है, जो भी करना है वो करेंगे। उसके बाद जो आउटपुट आएगा उसको हम लोग डिस्प्ले करने से पहले वापस से फाइल में सेव कर देंगे, सो दैट फ्यूचर में अगर हमें वही आउटपुट वापस से देखना है तो वो हमारा फाइल के अंदर स्टोर रहेगा। ठीक है, तो ये फायदा होता है किसी भी प्रोग्राम के अंदर फाइल को यूज करने का। इससे क्या होगा कि आप अपने आउटपुट को स्टोर कर सकते हो, आप इनपुट को फाइल से ही रीड कर सकते हो। तो ये सारे काम हम फाइल हैंडलिंग के अंदर सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि फाइल हैंडलिंग में क्या करते हैं हम लोग, जो हमारी हार्ड डिस्क है उसके अंदर कोई भी फाइल पड़ी हुई है, टेक्स्ट फाइल, वहाँ से हम लोग डेटा रीड करते हैं पाइथन प्रोग्राम के थ्रू और वापस से डेटा को वहीं पे ही हम लोग स्टोर कर देते हैं। ठीक है, और मैंने आपको यही चीज़ एक्सप्लेन की थी कि पहले क्या था, हम कीबोर्ड्स के थ्रू इनपुट हमारा आ रहा था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट फाइल से इनपुट लेंगे और फाइल पे ही वापस से आउटपुट को स्टोर करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा फाइल के अंदर और हम फ्यूचर में जब भी चाहें उस डेटा को देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि डेटा फाइल्स जो हैं वो कितने टाइप की होती हैं। देखो, हम यहाँ पे आपके फाइल बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में हम लोग दो ही टाइप की फाइल पढ़ेंगे, एक है हमारी टेक्स्ट फाइल, एक है बाइनरी फाइल। ठीक है, टेक्स्ट फाइल के अंदर क्या होगा कि जो डेटा है वो टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर होगा। जो भी आप जैसे नोटपैड होता है आपका, उस पर जो भी आप टाइप करते हो वो क्या है, टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, सेकंड है हमारा बाइनरी फाइल। तो आपको पता है कि बाइनरी का मतलब क्या होता है, जीरो या वन। तो बाइनरी फाइल में जो भी डेटा स्टोर होगा वो सारा जीरो और वन की फॉर्म में स्टोर होगा। इसका फायदा क्या होता है बाइनरी फाइल यूज करने का, कि बाइनरी फाइल के अंदर जो डेटा स्टोर है ना उसको कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपको पता है कि मैंने आपको बताया हुआ है पहले कि कंप्यूटर पे कोई भी चीज़ अगर रन होती है ना तो वो जीरो या वन की फॉर्म में होनी चाहिए। अगर वो किसी और फॉर्म में है तो वो सबसे पहले जीरो या वन की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, चाहे आपकी वीडियो फाइल है, चाहे ऑडियो फाइल है, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट है, वो आपके कंप्यूटर पे अगर रन हो रहा है तो सबसे पहले वो कन्वर्ट होगा जीरो या वन में, उसके बाद ही वो रन होगा। ठीक है, तो हमारी टेक्स्ट फाइल के अंदर जो भी हमने लिखा हुआ है वो सबसे पहले कन्वर्ट होगा बाइनरी फाइल में, फिर रन होता है। लेकिन जो हमारी बाइनरी फाइल है, बाइनरी फाइल के अंदर पहले से ही सारा डेटा बाइनरी के अंदर ही स्टोर होता है। तो इससे क्या है कि कन्वर्जन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसका फायदा क्या होगा कि हमारी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। पहले हमें कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी, अब हमें कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है बाइनरी फाइल के अंदर। ठीक है, तो ये दो टाइप की फाइल होती है हमारी। टेक्स्ट फाइल जो होती है वो कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है, चाहे ASCII फॉर्मेट हो या यूनिकोड, इन दोनों में से एक को फॉलो करती है हमारी टेक्स्ट फाइल। जैसा कि आप लोगों ने 11th के अंदर हमने किया था, जैसे हमें मान लो ए था, जैसे जैसे कैपिटल ए है ना। ठीक है, कैपिटल ए की वैल्यू 65 होती है, स्मॉल
स्मॉल ए की वैल्यू 97 होती है ना, ये हमने कन्वर्जन्स भी किए थे। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, ये आस्काई वैल्यूज़ हैं। जैसे कैपिटल ए की आस्काई वैल्यू होती है 65, स्मॉल ए की आस्काई वैल्यू होती है 97। तो ये सब क्या है, ये आस्काई फॉर्मेट होता है। तो जो फाइल होती है ना वो या तो यूनिकोड फॉर्मेट में होगी या आस्काई फॉर्मेट में होगी। आपको ये सब फॉर्मेट क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना सोचो कि दो दो ही फॉर्मेट होते हैं, आस्काई या यूनिकोड, ठीक है। इसके बाद जैसे इसमें ईओएल लिखा हुआ है, ईओएल क्या है, एंड ऑफ लाइन। अब क्या होता है कि जो हमारी टेक्स्ट फाइल होती है उसमें हम ये कैसे इंश्योर करेंगे कि एक लाइन ख़त्म हो गई है, ठीक है, अगली लाइन आ गई है। जैसे हम कोई भी टाइप करते हैं डॉक्यूमेंट में तो एक लाइन वहाँ पे ख़त्म हो गई है, हमें दिखता तो है कि ये पहली लाइन है, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, लेकिन जब प्रोग्राम उस फाइल को रीड करेगा तो प्रोग्राम को तो कुछ दिखता थोड़ा ना है कि हाँ भाई यहाँ लाइन ख़त्म हो गई है, यहाँ अगली लाइन शुरू हो गई है। प्रोग्राम को कैसे बताएंगे हम कि भाई यहाँ पे पहली लाइन है, अब ये दूसरी लाइन शुरू हो रही है यहाँ पे। उसके लिए एक होता है ईओएल, जिसको बोलते हैं एंड ऑफ लाइन। अब एंड ऑफ लाइन के लिए हम स्लैश एन या फिर स्लैश आर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आप लोग यूज़ नहीं करोगे, आपको आपको कुछ भी नहीं करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड में होता है। जब भी आप कोई फाइल स्टोर करोगे उसके अंदर एक लाइन टाइप की, आपने दूसरी लाइन टाइप की, तो वो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली उसमें स्लैश एन या स्लैश आर आ जाता है जब भी नेक्स्ट लाइन आती है। तो जब कंप्यूटर उसको रीड करेगा ना, वो स्लैश एन को देखेगा, उसको पता लग जाएगा कि यहाँ पे पहली लाइन ख़त्म हो गई है और यहाँ से मेरी दूसरी लाइन शुरू हो रही है। आपको नहीं दिखेगा ये स्लैश एन या स्लैश आर, ठीक है। आपको याद होगा कि जब हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मुझे कुछ प्रिंट करवाना है, उसका आधा पार्ट मुझे एक लाइन में रखना है और दूसरा पार्ट हमें नेक्स्ट लाइन में रखना है, तो मैं उनके बीच में स्लैश एन डाल देता हूँ। तो स्लैश एन क्या होता है, नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। तो ये चीज़ें आपने पहले देखी हुई है। तो फाइल के अंदर स्लैश एन या स्लैश आर, ये होता है एंड ऑफ लाइन के लिए, ठीक है। ये हम लोग यूज़ करेंगे एक्चुअल में जब हम फाइल से डेटा रीड करेंगे। तो उसमें मान लो ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि कोई प्रोग्राम ऐसा है कि आपसे पूछ ले कि रीड करो इस फाइल में कितनी लाइंस हैं, ठीक है, कितनी लाइन है इस फाइल में, ये रीड करो। तो वो रीड कैसे करोगे आप, जब तक आपको स्लैश एन मिलता रहेगा उतनी ही आपकी लाइन होगी, जब आगे लाइन ही नहीं होगी तो स्लैश एन भी नहीं मिलेगा। तो स्लैश एन का हम लोग आगे यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग में। नेक्स्ट है हमारी बाइनरी फाइल्स। तो जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया था कि बाइनरी फाइल्स में, बाइनरी में डेटा स्टोर होता है, किसी भी कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए ये बहुत ही फास्ट होती है, ठीक है। तो टेक्स्ट फाइल से फास्ट होती है बाइनरी फाइल को रीड करना, ठीक है, वही सब लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी समझाया था बाइनरी फाइल के बारे में। जब हम फाइल हैंडलिंग करेंगे तो फाइल को हैंडल करने के लिए हम तीन स्टेप करेंगे। देखो, हम कोई भी अगर कोई काम करते हैं, जैसे आपको नोटबुक में ही कुछ लिखना है, तो पहले हम क्या करते हैं, नोटबुक को ओपन करते हैं, फिर उसमें कुछ लिखते हैं और फिर वापस से उसको क्लोज कर देते हैं। तो सेम काम यहाँ पे होगा, जब मुझे कोई भी डेटा फाइल के अंदर स्टोर करना है तो सबसे पहले मुझे वो फाइल ओपन करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद मैं उस फाइल पे डेटा रीड या राइट करूँगा, जो भी मुझे करना है। मुझे अगर डेटा वहाँ से पढ़ना है तो मैं रीड करूँगा, अगर मुझे वहाँ पे कुछ राइट करना है तो मैं राइट ऑपरेशन यूज़ करूँगा। इसके बाद मैं फाइल को क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो ये तीन ऑपरेशन होते हैं फाइल पे। अब फाइल जो होती है, इस पे जो ये ऑपरेशंस हैं, ये हम लोग इसके नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं उसमें आएगा कि किस किस मोड में हमारी फाइल ओपन हो सकती है, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना देखो कि तीन तरीके के ऑपरेशन हम फाइल पे कर सकते हैं। ये है पाइथन का कोड, इसमें ये बताया गया है कि फाइल को हम ओपन कैसे कर सकते हैं। फाइल जो है ना, ओपन तीन मोड में हो सकती है, रीड, राइट और अपेंड, ठीक है। रीड, राइट और अपेंड, तीन मोड्स में फाइल ओपन हो सकती है। रीड का मतलब है कि आपको फाइल में से सिर्फ डेटा को रीड करना है, ठीक है, सिर्फ पढ़ना है वहां से। तो अगर आपने फाइल को रीड मोड में ओपन किया है तो आप उस फाइल के अंदर कुछ राइट नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ रीड ही कर पाओगे। फिर अगर आपने फाइल को राइट मोड में ओपन किया है तो फाइल को रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। तीसरा है मेरा अपेंड। अपेंड का मतलब होता है कि मेरी फाइल में पहले से कुछ लिखा हुआ है डेटा, ठीक है, अगर मुझे उस डेटा के बाद से लिखना शुरू करना है कुछ,
मान लो मेरी फाइल में पहले से 5 लाइंस हैं और मुझे कुछ नया डेटा स्टोर करना है, और मैं चाहता हूँ कि नया डेटा जो है वो 5 लाइन के बाद स्टोर होना शुरू हो, तो मैं उसके लिए अपेंड ऑपरेशन यूज करूंगा। राइट में क्या होता है कि अगर मैंने फाइल राइट मोड में ओपन की है, तो अगर मेरे फाइल के अंदर पहले से डेटा स्टोर्ड है तो राइट मोड में वो डेटा उड़ जाएगा और नया डेटा जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टोर होना शुरू होगा, पुराना डेटा उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है राइट में और अपेंड में। राइट मोड में डेटा फाइल के स्टार्टिंग से स्टोर होना शुरू होगा, अगर पहले से डेटा पड़ा हुआ है तो वो डिलीट हो जाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपका पुराना डेटा डिलीट ना हो तो आप फाइल को अपेंड मोड में ओपन करोगे। ठीक है, ये मोड क्या क्या होते हैं ये आगे आएगा अभी। तो सिंटेक्स क्या है इसका, ये एक वेरिएबल है, ठीक है, फाइल ऑब्जेक्ट ये एक वेरिएबल है। अब क्या है कि ऑपरेशन है ओपन, ओपन ऑपरेशन जो है ये फाइल को ओपन कर देगा, खोल देगा। मैंने आपको बताया था कि फाइल को सबसे पहले हम ओपन करेंगे, फिर उस पर रीड या राइट करेंगे और फिर उसको वापस से क्लोज कर देंगे। तो पहला ऑपरेशन कर रहे हैं हम ओपन, उसके लिए हमारा फंक्शन है ओपन। इसके बाद ब्रैकेट में हम देंगे फाइल का नाम, जिस भी फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं उस फाइल का यहाँ पे नाम दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे सेम दिया हुआ है, सिर्फ कॉमा लगा के मोड लिखा हुआ है। आपको ये बताना है फाइल का नेम देने के बाद कि आप उसको किस मोड में ओपन करना चाहते हो, रीड मोड में, राइट मोड में, अपेंड मोड में। तो यहाँ पे आपको साथ में मोड भी स्पेसिफाई करना है। ठीक है, अब होगा क्या कि ये काम होने के बाद फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद उस फाइल का जो पॉइंटर है, मतलब वो फाइल आप कहाँ से उस फाइल में लिखना शुरू कर सकते हो, वो पॉइंटर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, फाइल ऑब्जेक्ट के अंदर। तो जब भी आप राइट करोगे तो फाइल ऑब्जेक्ट जो है इसके पास वो लोकेशन है जहाँ से आप राइट करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये उसी का एग्जाम्पल है कि हमारी एक फाइल है जिसका नाम है स्टोरी डॉट टी एक्स टी। तो मैंने उस फाइल को ओपन किया है और उसका पॉइंटर स्टोर हो जाएगा माई फाइल के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि स्टोरी डॉट टी एक्स टी ये फाइल उसी फोल्डर में होनी चाहिए जिस फोल्डर में आपने पाइथन इंस्टॉल की हुई है, जहां पे आपकी पाइथन पड़ी हुई है ना, वहीं पे होनी चाहिए, तभी आप इसको डायरेक्ट फाइल का नेम देके ओपन कर सकते हो। अगर आपकी फाइल किसी और लोकेशन पे पड़ी हुई है, जैसे डी ड्राइव में है, ई ड्राइव में है, तो अगर उस फाइल को ओपन करना है तो आपको पूरा पाथ यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कैसे होगा। हाँ देखो, जैसे इसमें बताया है कि मैं आर्टिकल डॉट टी एक्स टी फाइल को ओपन कर रहा हूँ और उसको आर मतलब रीड मोड में ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें नीचे यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर मैं उस फाइल को ओपन करना चाह रहा हूँ जो फाइल मेरी उस फोल्डर में नहीं पड़ी जहाँ पे पाइथन इंस्टॉल्ड है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा वहाँ पे। तो डी ड्राइव में माई डेटा नाम का फोल्डर है, उसके अंदर पड़ी हुई है मेरी पोएम डॉट टी एक्स टी, तो मुझे पूरा पाथ देना पड़ेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आप पाथ यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हो, जनरली क्या होता है कि पाथ पूरे पाथ में सिंगल स्लैश होते हैं, लेकिन यहाँ पे डबल स्लैश है। आप जहाँ भी सिंगल स्लैश होंगे वहाँ पे डबल स्लैश यूज करोगे हमेशा, जब भी आप पाथ दोगे। जनरली आपके पाथ में सिंगल स्लैश होते हैं, लेकिन वो पाथ जब आप यहाँ पे दोगे तो आप सिंगल की जगह डबल स्लैश यूज करोगे, तभी आपका ये वर्क करेगा। ठीक है, तो यही इस नीचे यहाँ पे सब लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि फाइल को ओपन करने के कुछ मोड्स होते हैं, जैसे रीड, राइट या अपेंड। अब अगर आप फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहे हो तो आप कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हो, अगर राइट मोड में कर रहे हो तो कौन से ऑपरेशन कर सकते हो, अगर अपेंड मोड में ओपन कर रहे हो तो कौन से ऑपरेशन कर सकते हो, तो ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, देखो यहाँ पे क्या है, मैं फाइल को अगर रीड मोड में ओपन कर रहा हूँ तो हम उसको सिर्फ रीड ओनली, मतलब मैं उस फाइल को सिर्फ रीड कर सकता हूँ। अब ऐसा केस भी हो सकता है कि आप जिस फाइल को ओपन करना चाह रहे हो वो फाइल प्रेजेंट ही ना हो, है ना, उस नाम की कोई फाइल ही ना हो, आप उस फाइल को ओपन करना चाह रहे हो। ऐसे केस में
अगर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है और आप उसको रीड मोड में ओपन करना चाह रहे हो तो पाइथन आपको एरर देगा, पाइथन आपको एरर देगा, ठीक है। अगर आप किसी ऐसी फाइल को ओपन करना चाह रहे हो रीड मोड में जो फाइल आपके कंप्यूटर में प्रेजेंट ही नहीं है। दूसरा है मेरा डब्ल्यू यानी राइट मोड। राइट मोड में क्या होता है कि मैं डेटा सिर्फ राइट कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो अगर मेरे मेरे पास वो फाइल प्रेजेंट नहीं है जिसको मैं राइट मोड में ओपन कर रहा हूँ तो उस नाम की फाइल क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं राइट मोड में ओपन कर रहा हूँ ना और वो फाइल प्रेजेंट नहीं है मेरे कंप्यूटर में तो वो बन जाएगी, वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और अगर उस नाम की फाइल पहले से है तो उसका सारा डेटा उड़ जाएगा। राइट मोड में अगर मैं उस फाइल को ओपन कर रहा हूँ जो पहले से मौजूद है मेरे कंप्यूटर में तो उसका सारा डेटा उड़ जाएगा, ठीक है। और नया डेटा जो है वो क्या करेगा, उसको ओवरराइट कर देगा, उसको हटा के नया डेटा स्टोर हो जाएगा। तीसरा है मेरा अपेंड मोड ए। अपेंड मोड में क्या होता है, सेम जो जो हमारा राइट मोड में होता है कि अगर वो फाइल प्रेजेंट नहीं है जिस फाइल के अंदर मैं अपेंड करना चाह रहा हूं तो नई फाइल क्रिएट हो जाएगी मेरी, ठीक है। और अगर वो फाइल प्रेजेंट है जिसमें मैं डेटा अपेंड करना चाह रहा हूं तो मेरा डेटा वहां से राइट होना शुरू होगा जहां से मेरा फर्स्ट फाइल का जो पहले से डेटा पड़ा हुआ है उसके बाद से मेरा नया डेटा राइट होना शुरू होगा। तो ये है मेरा अपेंड मोड। नेक्स्ट है मेरा आर प्लस मोड। आर प्लस मोड को बोलते हैं रीड एंड राइट, ठीक है। देखो जब भी प्लस का साइन आता है ना तो हम एक ऑपरेशन ज्यादा कर सकते हैं। तो अगर मैं फाइल को आर प्लस मोड में ओपन कर रहा हूं मतलब मैं फाइल को रीड भी कर सकता हूं और राइट भी कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए कि फाइल पहले से मौजूद होनी चाहिए। अगर फाइल पहले से मौजूद नहीं है आपके कंप्यूटर में तो वो आपको एरर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा डब्ल्यू प्लस मोड। डब्ल्यू प्लस मोड में मैं रीड भी कर सकता हूँ और राइट भी कर सकता हूँ और सारे ऑपरेशन वही होंगे जो हमारे रीड वाले में थे कि अगर फाइल मौजूद नहीं है तो क्रिएट हो जाएगी, मौजूद है तो उसका सारा डेटा उड़ जाएगा। नेक्स्ट है मेरा अपेंड मोड। अपेंड मोड में क्या होता है, अपेंड मोड में ए प्लस मोड में इसमें क्या है कि वही सेम है, इसमें भी अगर फाइल पहले से मौजूद नहीं है तो वो क्रिएट हो जाएगी, अगर मौजूद है तो डेटा वहां से राइट होना शुरू होगा जहां से पहला डेटा खत्म हो रहा है। और इसके अंदर अपेंड प्लस ए प्लस मोड में हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे हमारे 6 मोड थे नॉर्मल फाइल के और ऐसे ही मेरे 6 मोड हैं बाइनरी फाइल के। बस दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे दोनों में फर्क ये है कि टेक्स्ट फाइल में जैसे आर है तो बाइनरी फाइल में आर बी है, मतलब बी साथ में ऐड हो जाएगा, बी का मतलब है बाइनरी। तो टेक्स्ट फाइल में अगर आर है तो बाइनरी में हो जाएगा आर बी, मतलब रीड बाइनरी। टेक्स्ट फाइल में डब्ल्यू है राइट है तो बाइनरी में हो जाएगा डब्ल्यू बी यानी राइट बाइनरी। ऐसे ही अपेंड बाइनरी, ठीक है, बी का मतलब बाइनरी है यहाँ पे। बाकी सारा रूल जो है वही सेम होंगे जो मेरी नॉर्मल टेक्स्ट फाइल के अंदर होते हैं। ओके, हमने क्या किया, फाइल को ओपन कर लिया, हमने फाइल पे कोई काम कर लिया, इसके बाद मुझे फाइल को क्लोज करना पड़ता है। क्लोज कैसे करूँगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा वही वेरिएबल का नाम जिस वेरिएबल के अंदर फाइल का पॉइंटर आया था जब फाइल ओपन हुई थी। आपको याद होगा मैंने लिखा था माई फाइल इक्वल टू ओपन, ठीक है, फिर ब्रैकेट में लिखा था फाइल का नेम, तो माई फाइल डॉट क्लोज। इससे क्या होगा, मेरी वो फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है, इजी सा है। इसमें तीन ही ऑपरेशन होते हैं, ओपन करते हैं हम, रीड या राइट करते हैं और फिर उस पर उसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हम अभी तक हमने क्या किया था, हमने फाइल को ओपन कर लिया था अलग अलग मोड्स में, रीड राइट या अपेंड, ठीक है, मेरी फाइल ओपन हो गई है। अब मान लो मुझे उस फाइल में से डेटा को रीड करना है, डेटा को रीड करना है, ठीक है। तो रीड करने के लिए क्या होगा, मेरा यूज होगा डॉट रीड। फाइल हैंडल ये वो वेरिएबल है जिसके अंदर मेरी फाइल ओपन हुई थी और उसका पॉइंटर इसके अंदर आया था, मतलब माई फाइल हैंडल इक्वल टू ओपन फाइल का नेम
डॉट टी एक्स टी और आर मतलब रीड मोड में उसको ओपन कर रहा हूँ। मेरी फाइल ओपन हो गई है और उसका लिंक जो है वो फाइल हैंडल के अंदर आ गया है। उसके बाद मैं रीड कर रहा हूँ फाइल को, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा फाइल हैंडल डॉट रीड और ब्रैकेट में यहाँ पे लिखूंगा वो नंबर जितने करेक्टर्स मुझे रीड करने हैं। जैसे मैंने लिखा ब्रैकेट में लिखा, मान लो मैंने सिक्स, ब्रैकेट में मैंने सिक्स लिख दिया, इसका मतलब मेरी फाइल में से पहले 6 करेक्टर वो रीड करेगा। ठीक है, इसके बाद है मेरा रीड लाइंस। अब रीड लाइन क्या है, ये लाइंस को रीड करेगा। एन का मतलब है कि इतने बाइट्स वो रीड करेगा, जितने मैं एन की वैल्यू लिखूंगा उतने मेरे बाइट्स को रीड करेगा। और अगर मैंने ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा है, मैंने लिखा है डॉट रीड लाइंस, तो इसका मतलब है कि मेरी पूरी फाइल का वो रीड करेगा और वो फाइनली मुझे आउटपुट दे देगा पूरी फाइल का। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि मैं फाइल को कैसे ओपन कर सकता हूं और कैसे उसको रीड करूंगा। अब देखो, ये मेरी फाइल है पहले से, ये पहले से मेरी फाइल पड़ी हुई है जिसके अंदर ये सारा डेटा है। ठीक है, अब मुझे इसमें से कुछ कुछ डेटा रीड करना है। ठीक है, अब कैसे कर सकता हूँ वो मैं, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक फाइल मैंने क्या किया, सबसे पहले फाइल को ओपन किया। ओपन, इस फाइल का नाम है डेटा डॉट टी एक्स टी, तो वो मैंने फाइल का नेम लिखा और साथ में लिखा आर, मतलब मैं इस फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहा हूँ, मतलब मैं इस फाइल को सिर्फ अब पढ़ सकता हूँ, मैं इसको इसके अंदर कुछ राइट नहीं कर सकता हूँ, मैंने इसको रीड मोड में ओपन किया है। तो इस स्टेटमेंट से क्या हुआ, मेरी फाइल ओपन हो गई है और इसका लिंक जो है माई फाइल इस वेरिएबल के अंदर आ गया है। ठीक है, ओके। अब आपको याद है कि हमने इससे पिछली स्लाइड में कि हम फाइल को रीड कैसे कर सकते हैं वो हमने देखा था, हमने दो स्टेटमेंट्स देखी थी, डॉट रीड और डॉट रीड लाइन्स। तो सबसे पहले मैंने लिखा है माई फाइल, ये माई फाइल वही है जो पॉइंटर आया था। ठीक है, माई फाइल डॉट रीड और ब्रैकेट में लिखा है 10, इसका मतलब है कि मैं फाइल के पहले 10 करेक्टर्स को रीड करूंगा, मैं फाइल के पहले 10 करेक्टर्स को रीड करूंगा। ठीक है, और वो 10 करेक्टर्स रीड हो जाएंगे और वो स्टोर हो जाएंगे str1 में। सेकंड में क्या है, रीड के बाद ब्रैकेट में है 5, इसका मतलब है कि मैं पहले 5 करेक्टर्स को रीड करूंगा और उसके बाद मैं उन करेक्टर्स को स्टोर कर दूंगा str2 के अंदर। फिर है माई फाइल डॉट रीड, इसमें क्या है कि फाइल को मैं रीड करूंगा और उसको स्टोर कर दूंगा str3 के अंदर। और फिर मैंने str1, str2, str3 इन तीनों को प्रिंट प्रिंट करा दिया है और ये फाइनली इसका आउटपुट आ रहा है। अब देखो, जब मैंने पहली बार 10 करेक्टर्स रीड किए थे तो देखो प्रिंट हुआ इंडिया इज एम, काउंट कर लो INDIA स्पेस, स्पेस भी काउंट होता है, ISM, तो ये मेरे 10 करेक्टर्स हो गए, स्पेस को मिला के मेरे 10 करेक्टर्स हो गए हैं। ठीक है, और एक चीज याद रखना, जब मैं रीड करना स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरा पॉइंटर आगे बढ़ रहा है, तो मैंने जब पहले 10 करेक्टर्स रीड कर लिए, इसके बाद क्या होगा, मेरे मैं जब दोबारा से रीड कर रहा हूं ना तो वो वापस से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि मेरा पॉइंटर पीछे पहुंच चुका है। तो जब मैंने इसके बाद नेक्स्ट 5 करेक्टर्स रीड किए तो मेरा नेक्स्ट आगे से शुरू होगा, तो क्या होगा, वाई स्पेस COU, ठीक है, स्पेस COU, तो ये मेरे हो गए 5, स्पेस को मिला के 5 हो गए। इसके बाद मैंने किया माई फाइल डॉट रीड, रीड का मतलब है कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ नहीं दिया, इसका मतलब है कि मैं पूरी फाइल को रीड कर रहा हूँ। तो पूरी फाइल रीड कहाँ से होगी, जहाँ से मैंने पीछे से छोड़ी थी। तो